नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्रजीत सिंह। दोस्तों आज मैं आपको आउटलाइन कैसे बनाते हैं एकदम आसान तरीके से बताऊंगा। तो अपने मोबाइल में आप प्ले स्टोर खोल लीजिए। प्ले स्टोर खोलने के बाद वहां पे आप डालिए ड्राइंग ग्रिड, ठीक है। जैसे ड्राइंग ग्रिड लिखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन खुल के आ जाएगा। जैसे देखिए ये लिखा, ये खुल के आ गया आपके सामने, ये खुल गया, नेट खुल गया, ठीक है। जो पहला ऑप्शन है आप उसको क्लिक कर लोगे, ठीक है, आप उसको इंस्टॉल कर लो। मैंने इंस्टॉल कर रखा है, तो उसमें सिर्फ मुझे ओपन करना है। ओपन किया, अब यहाँ पहला ऑप्शन जो ऊपर दिख रहा है उसमें आप फोटो को चूज़ करने के लिए यहाँ पे क्लिक करोगे तो एल्बम और फोटो आएंगे। मुझे एल्बम फोटो जिसमें आपको सही लगे, जिसमें आप फोटो रखे हो उसमें आप चूज़ करके आपको जो भी फ़ोटो बनाना है। जैसे मुझे ये बनानी है इमिलिया की फ़ोटो, ठीक है। तो इमिलिया की मैं कलर फोटो ले रहा हूँ, इसको यहाँ से जो माइनस वाला ऑप्शन दिया है वहाँ से आप जो लाइन है उसको आप कम कर सकते हो। जैसे यहाँ चार लिखा था तो वहाँ पे मैंने एक कर दिया ताकि लाइन जो है पतली हो, ठीक है। और ये है जो इधर ऑप्शन दिख रहा है, ये है शेप का, ये है प्रिंट का। तो अगर आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हैं। ये जो बगल में लाइनें थी यहाँ से आप काउंट नंबर लिखेंगे, जैसे कि मैं लिख देता हूँ 18, ठीक है। तो हमारी जो ग्रीडिंग हो, जैसे ये ग्रीडिंग जो बनेगी वो 18 है। अब यहाँ पर BW लिखा है, BW मतलब ब्लैक एंड वाइट, उसके बाद स्क्वायर लिखा है। तो एकदम बराबर आपके जो ब्लॉक होंगे एकदम बराबर हो जाएंगे। ये काउंटिंग नंबर होते हैं, इस तरह से आपके ये इस तरह से हो जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे ब्लॉक बन जाएंगे और ये काउंटिंग नंबर, इसमें आप देख रहे हो नंबरिंग है, ठीक है। ये आपको याद रखे, इसलिए आप जो बिगनर जो एकदम नए हैं वो कर सकते हैं। और ये ऑप्शन है कलर, जैसे कि जो लाइन है वो ब्लैक है, तो अगर ब्लैक एंड फोटो उसमें ब्लैक रहेगा तो आपको समझ में नहीं आएगी। तो आप यहाँ से कलर को चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं रेड लेता हूँ, ठीक है, मुझे रेड पसंद है, मुझे रेड, मैंने रेड को ले लिया। वैसे पसंद तो ब्लैक है लेकिन रेड यहाँ से मुझे सही लगेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को मैंने हटा दिया, जैसे नंबरिंग मुझे हटा दिया, मैंने ये छोटे ब्लॉक भी हटा दिया। अब मुझे ये ब्लॉक चाहिए, तो ये ब्लॉक को मैंने लिया और अब क्या किया कि अब मुझे इसको सेव कर लेना होगा। हमारी ग्रिड बन के तैयार हो गई, ठीक है। अब मुझे बैक करके जाना होगा, ठीक है। तो ये सेव हो गया, देखिए अब बैक जाता हूँ। बैग जाने के बाद आप अपने फोल्डर में जाएंगे, फोल्डर में जहाँ पे आपने इसको सेव किया, जैसे ये ड्राइंग ग्रिड में जाएंगे तो आपको ये देखिए यहाँ पे सेव हो गई है, ठीक है। तो अब इसको हम ड्राइंग कर सकते हैं अच्छे से। ग्रिड अपने हिसाब से आप काउंटिंग कर सकते हैं, जैसे मैंने 18 किया था, तो आप 20, 22, 25 जो भी आपको करने का मन हो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जिस पेपर पे बनाएंगे उस पर ग्रिड जो है वो एकदम सही होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी आगे पीछे होगा तो आपका जो ग्रिड है वो एकदम सही नहीं बनेगा, ठीक है, आउटलाइन सही नहीं बने। तो इसलिए आपकी जो ग्रिड है एकदम सही होनी चाहिए, एकदम बराबर होनी चाहिए। हम क्या करेंगे, जो मोबाइल में ड्राइंग है, ठीक है, इसकी आउटलाइन के लिए जो भी इसमें ब्लॉक है वो ब्लॉक को गिन लेंगे। जैसे कि इसमें कितने ब्लॉक हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो 8 ब्लॉक सेम इसमें भी इस तरह से काउंट करेंगे, ठीक है। 8 यहाँ, ये 8 है, ठीक है। तो हम यहाँ से काउंट करते हैं। अब यहाँ से सबसे नीचे पार्ट से स्टार्ट करते हैं। वैसे बहुत सारे दोस्त मेरे कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अब मैं फेस के नीचे पार्ट से स्टार्ट करता हूँ। बहुत ही आराम से करना है, जहाँ पे आपको गलत लगे कुछ चीज़ें लाइन गलत हो जाएंगे तो वहाँ पे आप इरेज कर लेना, ठीक है। ये फ़ोटो में थोड़ा सा मोबाइल का लाइट आ रही है तो इसलिए थोड़ा सा उस तरह दिख रहा है। जैसे यहाँ से ये लाइन खींचे हमने, ठीक है, तो हर एक चीज़ को आपको सही से देखना है और आउटलाइन अच्छी रहेगी तभी आप शेडिंग कर पाओगे। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ध्यान से देखना है। बहुत टाइम लगेगा, लगभग इसमें 20-25 मिनट लग सकता है, क्योंकि इसमें देख रहे होगे आपको बहुत सारा काम करना, बहुत आउटलाइन करनी है, ठीक है। तो जैसे ये थोड़ा सा मैंने गलती होगी ना, मुझे लाइन पूरा प्रॉपर वहाँ से नहीं खींचनी थी, ठीक है, अभी आपको लग जाएगा गलत मैंने कर दिया है। तो आपको ब्लॉक याद रखने होंगे, ठीक है, कितने ब्लॉक में कितनी दूरी पे हमें लाइन खींचनी है। आपको ड्राइंग जो इसमें क्या नाम है, ये जो मोबाइल में जो ये जिसको हम बना रहे हैं, जो ड्रॉ कर रहे हैं उसमें और इसमें दोनों में सेम होनी चाहिए, ठीक है। उसमें कितनी दूरी पे लाइन खींचनी है और यहाँ पे कितनी दूरी पे लाइन है, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी होगी। एकदम एग्जैक्ट अगर बनानी है ड्राइंग तो आपको एकदम सही लाइन खींचनी होगी, ठीक है। तो आपको पूरी ड्राइंग देखनी होगी तभी आपको समझ में आएगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आप ड्राइंग को देखते रहिए, मैं पूरा बनाते रहूँगा, बीच बीच में आपको मैं बताता रहूँगा।
आप जब भी आउटलाइन बनाते हो सबसे पहले आप काम करिए कि जो बाहर की आउटलाइन है, ठीक है, जैसे जो फेस के अंदर के नहीं, जो फेस के बाहर के हैं उसको हमें आउटलाइन करने अच्छे से, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि एक बार पूरा बाहर का अगर एरिया बन जाता है ना, तो उसके बाद जो फेस में वो 5 मिनट के अंदर बन जाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हार्ड होता है वो बाहर के पार्ट को बनाने में, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा और बहुत ही ध्यान से बनाना है, कोई लापरवाही नहीं करनी है। और आप मेरे साथ लगे रहेंगे, पूरा ड्राइंग को देखेंगे तो आपको पूरी चीज़ समझ में आएगी कैसे मैं ड्रॉ करता हूँ आराम से, कितने स्टेप। पूरी ड्राइंग रियल टाइम में रहेगी, अगर आप रियल टाइम में ड्राइंग को देखते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आती है, ठीक है। तो ये है कि आपको ड्राइंग पूरी देखनी होगी तभी जाके आपको समझ में आएगी, अगर आप बीच में आगे पीछे करके देख लोगे तो आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको ड्राइंग के बीच में भी समझ में आती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको एंड में भी समझ में आएगी, ठीक है। तो बहुत सारे पार्ट हैं, जैसे कि ये हेयर की जो चोटी है, ठीक है, आपको इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। हेयर के जो बीच में जो डायरेक्शन जो है, जिस किस डायरेक्शन में हेयर गया है, ठीक है, वो सब चीज़ें आपको देखनी होगी। तो कैसे उसको आउटलाइन करेंगे ये सब चीज़ भी आपको देखनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम बाहर के सारे पार्ट को अच्छे से बना लेंगे, ठीक है, उसके आउट एरिया को अच्छे से बना लेंगे। उसके बाद हम अंदर के पार्ट को बनाएंगे। तो अंदर के पार्ट मैक्सिमम 5 से 10 मिनट के अंदर में बन जाएंगे, कोई उसकी ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो टाइम लगेगा वो इसी में है। ड्राइंग को देखते रहिए।
जो फ़ोटो है उसके आउट एरिया हमने बना लिए हैं, ठीक है। तो अब हमें इसके बाद क्या करना है, फ़ोटो के अंदर जो फेस पे है उसको अच्छे से बनाना है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान से देखनी होगी, मेन जो चीज़ें हैं आपको यहीं से समझ में आएगी, क्योंकि अभी आउट एरिया तो बना सकते हैं आप, इसमें थोड़ी बहुत 19-20 हो जाएगा, लेकिन आपका जो फेस रहेगा उसमें 19-20 बिल्कुल ना हो, तो वो सब चीज़ें भी आपको ध्यान से देखनी होगी, ठीक है। जैसे हेयर का ये है तो इसको भी हम सही कर लेंगे। तो हमारा जो आउटलाइन है वो 90% बन गया है, ठीक है। आप फेस बना लेंगे तो फेस में भी सारी चीज़ें बन जाएगी। तो फेस को हम जूम कर लेंगे अच्छे से, यहाँ तो आपको ध्यान से देखना होगा, ठीक है। जैसे कि आई कितने ब्लॉक में है, ठीक है। जैसे मुझे ये 4 ब्लॉक में लग रहा है, ठीक है। तो 4 ब्लॉक जो ब्लॉक है उसके बीच में कितनी दूरी पे हमें लाइन खींचनी है, सब चीज़ आपको ध्यान से देखनी होगी, ठीक है। एकदम आराम से, कोई इसमें वो नहीं है कितनी दूरी पे लाइन हमें खींचनी है, कितनी दूरी पर लाइन नहीं खींचनी है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान से देखनी है, ठीक है। तो अब ये पहले इसका हम एक आई को पूरा अच्छे से बना लेते हैं, उसके बाद ये सब बीच में आपको डॉट कर लेने होंगे कि आई डी लगाना कितनी दूरी पर है। इसलिए आप चाहे तो और छोटा ब्लॉक बना सकते हैं, जैसे मेरा 2 सेंटीमीटर का ब्लॉक है, तो आप चाहे तो 1 सेंटीमीटर का भी ब्लॉक बना लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बस आपको ध्यान से देखना है इस फोटो में और जो ये जिस पेपर में जो हम बना रहे हैं कितनी दूरी पर हमें लाइन खींचनी है, ये सब चीज़ आपको ध्यान से देखनी है। ये बहुत ही आसान तरीका है, एकदम आसानी से आप बना सकते हो। आराम से आपको देखना है, इसमें घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम से बनाना है आपको, ठीक है। अभी सिर्फ आउट लाइन बना लेंगे तो बाकी हम शेडिंग करेंगे, तो शेडिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो लंबी है, लगभग 30 मिनट की के आसपास की ड्राइंग रहेगी, उसमें अगर आप अच्छे से देख लेंगे तो आपको सिर्फ एक ही बार में समझ में आ जाएगा, अगर आप नहीं देखो तो आपको 10 बार देखना पड़ेगा। इससे अच्छा एक बार अच्छे से देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, उसके बाद भी समझ में नहीं आया तो आप 2-3 बार देख लो, कुछ समझ में आएगी, ठीक है। जहाँ पे समझ में आए वहाँ पे आप एक बार दोबारा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। ड्राइंग को आपको पूरा देखना है सही से, तब आपको समझ में आ जाएगा।
तो फ्रेंड्स हमारा जो आउटलाइन है वो तो बन गया है, आप देख रहे होंगे, आपको आउटलाइन समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब इसका जो हम अगला पार्ट है, जो अगला एपिसोड रहेगा, उसमें अच्छे से बनाएंगे, शेडिंग करेंगे उसको। ठीक है, अभी बहुत सारी चीज़ें लग रही है मुझे कि अभी कुछ चीज़ें छूटी हैं, तो उसको हम बात अभी सही कर लेंगे। कुछ चीज़ें इसलिए छूट जाती है क्योंकि हमें ध्यान रहता है कि वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, उसमें आउटलाइन कर रहे हैं, तो इसलिए छूट जाती हैं, तो उसको सही कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारी जो ड्राइंग है वो कम्प्लीट हो गई है। ड्राइंग कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो लोग नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं आपको नए एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।